हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेटिंग के, और आज हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देख लेना आप, जरा अपनी बुक खोल लेना, जो बुक की बहुत जरूरत पड़ी। जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इन्फॉर्मेशन देखो इसमें कुछ क्वेश्चन में दी गई है। ये बुक का इलस्ट्रेशन 22 है, मैं बुक भी बताता हूँ आपको। मेरे पास जो पुराना एडिशन है बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 22 है ये। बाकी आप क्वेश्चन निकाल लेना, और ये क्वेश्चन की मैं क्या कहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ कि आप क्वेश्चन को मिला पाओ, क्योंकि क्वेश्चन आपको जरूरी है कि आना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर दे रखा है इससे ऑपरेटिंग बनाना है, तो पहले तो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको जस्ट, तो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बनाते हैं पहले। तो ऑपरेटिंग का जो फॉर्मेट है भाई, अब याद होगा आपको, तो हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग का एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है आपका। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। तो फॉर्मेट का सीक्वेंस था, सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऐड आइटम। ऐड क्या होता था सर? तो सर ऐड होता था नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर सर क्या होता था? तो सर माइनस करते थे, और माइनस क्या होगा? तो होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां तक प्लस माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो देखो फॉर्मेट आपको बहुत जरूरी है कि फॉर्मेट आपको पता हो, तो फॉर्मेट याद होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते, देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। सबसे पहले क्या उसमें दो साल लिखा, 18-2019। पहला लिखा है सरप्लस यानी प्रॉफिट, 2,00,000 से 3,00,000 हो गया प्रॉफिट, यानी 1,00,000 का प्रॉफिट। और अगर आपको याद हो तो जो प्रॉफिट आता है वो टॉप पे आता है, तो यहां आता है प्रॉफिट, यहां लिख देंगे नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद लिखा है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल की अगर बात की जाए, तो बिल्स रिसीवेबल है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स की जो भी कहानी होगी वो इसके नीचे यहां पे होनी है। और करंट एसेट्स के लिए रूल है बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, तो ये 1,40,81 यानी 40,000 बढ़ गया तो माइनस, तो 40,000 माइनस कर दिया जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मेट बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मेट याद हो, फॉर्मेट याद नहीं तो पहले फॉर्मेट का सेकंड लेक्चर देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद अगला है आपका डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको याद हो डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन इस वाले हेडिंग में आएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो यहां डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन आपका 20,000 का डेप्रिसिएशन है। उसके बाद है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है हमारा करंट लायबिलिटीज, और आउटस्टैंडिंग रेंट आपका जो दे रखा है वो 16 से 40 हो रहा है। 16 से 40 होने का मतलब है 24,000 बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बढ़ गया? तो सर 24,000 बढ़ गया, तो 24,000 कर देंगे प्लस। उसके बाद देखो आपका लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है हमारे लिए, वो होता है हमारे लिए करंट एसेट्स। और क्या हो रहा है भाई? तो ये 14 से 12 यानी 2,000 घट रहा है, और करंट एसेट्स अगर घटेगा तो प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस। बस आपको फॉर्मेट याद हो, बस क्वेश्चन उसी के हिसाब से बन जाएगा, 2,000 रुपए प्लस हो गया। उसके बाद आपका गुडविल। गुडविल देखो घट है, मैं बता दो, गुडविल जितना भी अमोर्टाइज होगा इस वाली हेडिंग में आएगा गुडविल अमोर्टाइज, तो यहाँ पे गुडविल आ गई। कितना घट गया सर? तो 40,000 रुपए गुडविल घट गई। उसके बाद है आपका स्टॉक। तो स्टॉक इज अ करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स क्या हो रहा है? ये तो बढ़ रहा है, तो करंट एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस, तो स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक माइनस हो जाएगा, या इन्वेंट्री बढ़ गया इन्वेंट्री माइनस कितना? तो 40। देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो बस इसको प्लस माइनस करेंगे ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा। देखो प्लस माइनस कर देते हैं, तो देखो सबसे ऊपर वाला ये आ गया आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो ये 1,00,000, ये 60,000, ये तो कुछ है नहीं, तो 1,60,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज।
उसमें से देखो 40 और 40 80 माइनस 60 70 80 80 86 आपका आंसर आ गया। देखो 86 नहीं, ए 106 आ गया आपका आंसर, 106 आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका कैश पॉजिटिव आया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वही अगर ये माइनस में आया होता तो लिख देते कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग, बस सिंपल। क्लियर बात, कोई दिक्कत होगी मेरे साथ, बहुत सिंपल है, आपको बस फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए क्वेश्चन के बारे में, कहीं कोई डाउट हो तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि आप कैसे फॉर्मेट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्लियर बात, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो ये भी देखो क्वेश्चन, अगर आप देखो तो सिमिलर उसके जैसा ही कुछ दिखता मिलता लग रहा होगा, वैसे छोटा सा क्वेश्चन है। तो फॉर्मेट बना लेते पहले, तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, इसके पेज नंबर है 5.26 टीएस अग्रवाल की बुक से। बाकी ये क्वेश्चन आप यहां से देख लेना, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उससे मिला के करते हो क्वेश्चन सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन के लिए आपके क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं है तो फिर परेशानी है, तो फिर आपको सॉल्यूशन समझ आएगा क्या कर रहे हैं भाई। तो बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप वहां से क्वेश्चन देख पाओ। तो देखो सबसे पहले यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बस आराम से आपको स्मूथली करना, कोई वो हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से पूरा फॉर्मेट बनाओ और चीजों को जैसे जैसे होता है लिखते जाओ। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद ही क्वेश्चन करना, ध्यान रखना ये फॉर्मेट जरूर बनाना तब क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, भागना नहीं है, सीखना है चीजों को, तो सीखोगे आराम से, सीख जाओगे तो टाइम ही लगेगा आगे करने में, तो सीखते टाइम हड़बड़ी नहीं करनी, सीखो तसल्ली से, सीखने के बाद करो हवाई जहाज की तरह, सीखो बढ़िया से। देखो इसमें देखो क्या दिया है, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, देखो 2018 2019 है तो 1.20 से प्रॉफिट 1.10 हो गया, देखो यहाँ घट रहा है तो लॉस वाला केस है, तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया आपके लिए लॉस हो गया, कितने का नेगेटिव है तो सर 10,000 का नेगेटिव है, तो 10,000 नेगेटिव लिख देंगे कोई बात नहीं। उसके बाद तो ये आपका नेट लॉस आ गया, आपके बाद क्या दे रखा है, तो देखा है ट्रेड रिसीवेबल जो कि 62 से 50 घट गया, ट्रेड रिसीवेबल अगर आपको याद हो तो जो ट्रेड इस मतलब वर्किंग कैपिटल के नीचे आएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट से जो 62 से 50 यानी घट गया, कितना घट गया सर तो 12,000 घट गया, घट गया तो बताओ प्लस, वेरी गुड प्लस हो जाएगा, क्या नाम है इसका ट्रेड रिसीवेबल, तो 12,000 रुपये हम ट्रेड रिसीवेबल कर देंगे प्लस। उसके बाद देखो अगला आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है करंट लायबिलिटीज और ये आपका घट रहा है तो करंट लायबिलिटीज घटेगा तो माइनस, वेरी गुड तो माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, और कितना घट गया सर तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका घट गया 24,16,218 रुपये, तो 18,000 हो गया माइनस। उसके बाद है आपका गुडविल, देखो एक बात ध्यान रखना गुडविल यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से देख लो गुडविल के ऊपर गया, गुडविल मैं साइड पर बता देता हूँ गुडविल है ये, गुडविल अगर घटता है तो ऑपरेटिंग में प्लस होता है गुडविल अमोर्टाइज, लेकिन अगर गुडविल बढ़ जाए तो बढ़ गया तो गुडविल बढ़ने का होता क्या, गुडविल हमने खरीदा है और गुडविल जो खरीदा है वो तो भाई इन्वेस्टिंग है क्योंकि नॉन करंट एसेट, तो गुडविल अगर घटता है तभी वो ऑपरेटिंग में आता है, अगर गुडविल बढ़ रहा है तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, और इस क्वेश्चन में गुडविल आपका 76 से 80 हो रहा है नहीं बढ़ रहा है तो फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, इसको लिख लो रिपीट कर दे मैंने दोबारा, गुडविल पे ध्यान रखना बात को, गुडविल तो देख लो मैं कर देता हूं इसको खतरनाक लाइन, गुडविल पे कहानी बदल सकती है और गड़बड़ कर दोगे तो फिर आपकी कहानी बदल सकती है, इस बात को गुडविल घटेगा तभी ऑपरेटिंग में आएगा, अगर गुडविल बढ़ता है तो फिर वो इन्वेस्टिंग में जाता है तो वो नहीं आएगा। उसके बाद देखो अगला है प्रीपेड इंसॉल्वेंसी, करंट एसेट्स बढ़ रहा है बढ़ेगा तो माइनस,
प्रीपेड एक्सपेंस कितना बढ़ गया सर, तो 4000 बढ़ गया, तो 4000 कर देंगे माइनस। उसके बाद आपका ट्रेड पेबल, और ये घट रहा है तो ट्रेड पेबल घटेगा तो माइनस, तो ये सब माइनस ही हो रहा है यहाँ पे। ट्रेड पेबल कितना घट गया, तो ट्रेड पेबल आपका जो घट गया है वो घट गया है 12000 रुपए का, तो 12000 माइनस। अब शुरू से आंसर निकालना चालू करते हैं, जो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो देखो अगर स्टार्टिंग में देखो तो सबसे पहले आपका लॉस है कितने का, तो लॉस है माइनस का 10000 हो गया, ना ही ये है ना ही यही है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल भी 10000 हो गया माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 10 आंसर निकालते हैं हम, माइनस 10 और माइनस 18, माइनस 28, 12 कर 28 और 32, माइनस का 32000 रुपये आ गया, तो माइनस में आ रहा है 32000। तो माइनस में अगर मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, यूज्ड, तो आपका आ गया कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो, मैं कमेंट में आप हर बच्चे का रिप्लाई दूंगा, आपके डाउट का आंसर दूंगा, ठीक है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तीन क्वेश्चन आज का टारगेट है, देखो एक क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25 आपके बुक का, एक बार देख लो। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ, क्या 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 दिया हुआ है दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है ऊपर नीचे, और आपको बोला गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाना है, तो बनाते हैं क्वेश्चन को, निकाल लो बुक, बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, उसके बाद देखना। तो है आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे ऊपर आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर हम इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस करते हैं, माइनस होगा फिर हमारा क्या माइनस होगा, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहां तक प्लस माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और उसके बाद हम इसको और नीचे की चीजें बढ़ा देंगे, प्लस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है, तो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, अब आराम से तसल्ली से एक एक करके चीजों को देखेंगे और लिखते जाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन को अगर देखें 25 नंबर, तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है सबसे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2.5 लाख, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट बता रखा है 2.5 लाख, कोई ओपनिंग क्लोजिंग पिछला वाला नहीं, सीधा प्रॉफिट 2.5 लाख प्रॉफिट यहाँ आता है, तो नेट प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख रुपए का। इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो दोनों एक ही वैरायटीज के थे, ये थोड़ा अलग है। तो 2.5 लाख का प्रॉफिट लिख दिया, अब लिखा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किसमें आता है सर, तो इसमें आता है डेप्रिसिएशन, और आपको डेप्रिसिएशन जो दे रखा है कितने का दे रखा है, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है लिख दिया हमने। फिर लिखा गुडविल अमोर्टाइज, तो गुडविल अमोर्टाइज भी तो इसी में आता है, तो गुडविल आपका अमोर्टाइज कितना दे रखा है, तो 50000 रुपए का गुडविल अमोर्टाइज दे रखा है, तो हमने यहां लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व 70000, अगर आपको याद हो रिजर्व इस प्रॉफिट वाले में लिखते, तो यहां रिजर्व आ जाएगा, कितना रिजर्व ट्रांसफर किया हमने, तो 70000 का रिजर्व ट्रांसफर किया, तो इस वाले हेडिंग में आ गया। तो पूरा फॉर्मेट बनाना है, जो जो चीज जहां जाती है वहां भेज देना, बहुत ही आसान है कैश फ्लो, बस याद है कि आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, फॉर्मेट अब फॉर्मेट ही याद नहीं है तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से तो भेज रहे हम चीजों को। उसके बाद है गेन, तो गेन आपको याद हो 30000 गेन इस वाले में आता है, तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो 30000 ये हो गया। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद नीचे दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन में, फिर लिखा है आपको ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल होता है करंट एसेट्स, और ट्रेड रिसीवल 1/20 से 30 हो गया, यानी 10000 क्या हो गया बढ़ गया,
20 से 30 बढ़ गया, बढ़ गया तो घटा दो, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे ट्रेड रिसीवर, तो 10,000 रुपए हम ट्रेड रिसीवर माइनस कर देंगे। मेरे हिसाब से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर बात। आगे देखो क्या लिखा है, उसके बाद आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल घट रहा है, घटेगा तो माइनस, तो माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल, घट गया तो कितना घट गया, तो 50,000 रुपए घट गया, तो 50,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट्स घट रहा है, करंट एसेट घटेगा तो प्लस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, कितना घट गया भाई, तो 20,000 घट गया, तो 20,000 कर देंगे प्लस, हो गया। अब आपको निकालना है आंसर, निकालते हैं। देखो पहला 250 और 70, 320,000 ये हो गया, 1.5 लाख ये हो गया, और 30,000 ये माइनस का, ठीक है। तो 320 + 1.5, 3 × 4 = 70, 4 = 70 में से 30 घटा दो, तो 4 = 70 में से अगर 30 घटा देते हैं, 4 = 70 - 30, 4,40,000 आ गया, ये 4,40,000। यहां तक कोई परेशानी होगी, आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर नीचे वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट की गई है। अब ये देखो पॉजिटिव आना है, तो कैश फ्लो लिख देते हैं, देख लेंगे कितना आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो अब ध्यान से देखो, 4, 40, 50, 1, 60, 60 में से 20, 40, तो 4 लाख रुपए आ गया आपका आंसर। तो ये 4 लाख आपका पॉजिटिव आया, तो आपका निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये मैंने कुछ आज क्वेश्चन करा आपको ऑपरेटिंग के, कुछ मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करा था, 3 क्वेश्चन हो गए आज, 2 लास्ट में करा था, 5 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, आपको 2-4 क्वेश्चन और कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा ऑपरेटिंग कैसे बन रहा है, फॉर्मेट का क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इतना अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे अगली एक्टिविटी की तरह, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, कोई डाउट हो तो हमसे पूछो, बाय बाय। और हाँ, एक आखिरी बात बोलना भूल गया बाय बाय से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को सर्कुलेट करो, वीडियो लोगों तक पहुंचे, सबका ही हेल्प होगा, ठीक है। इतना ही, बाय बाय।